नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। तो दोस्तों, आज यानी कि 12 जून 2022 से NTPC CVT 2 के एग्ज़ाम प्रारंभ हो गए हैं और ये एग्ज़ाम एक दिन में 3 शिफ्ट में कराए जाएंगे और 17 जून तक कंटिन्यू चलने वाले हैं। तो इस समय हम मौजूद हैं एग्ज़ाम सेंटर के बाहर और 12 जून का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम फिनिश हो चुका है। कैंडिडेट एग्ज़ाम देकर बाहर आ गए हैं, तो अभी इनसे जानेंगे। पेपर तो अच्छा हुआ भैया। कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए? हमने किए 112। काफ़ी लगा लेवल एग्जाम का? लेवल इस बार लेवल 6 से काफ़ी आसान ही था। 6 से आसान लगा। और 4 भी दिया था आपने? लेवल 4 अभी नहीं, लेवल 4 हमारे जोन से थी नहीं तो दिया नहीं था। और भी 2 और 3 लेवल का भी होगा आपका? हाँ, अभी होगा। कहाँ से आए हो आप? मैं वैसे फिलहाल मैं रेल जॉब करता हूँ, अभी रेलवे में ही मैं हाथरस में यहाँ ड्यूटी करता हूँ। लेकिन भी कौन सा, अगर तीनों पोर्शन की बात की जाए तो कौन सा पोर्शन के क्वेश्चन आपको टफ लगे, कौन सा ईजी? थोड़े से काफ़ी किए हैं आपने, थोड़े से टफ हुए थे जीके के। और मैथ और रीजनिंग इनके क्वेश्चन कैसे? रीजनिंग थोड़ी सी कुछ कैलकुलेटिव थी, बाकी जनरली सही थे। कैसा हुआ? बहुत बढ़िया एग्जाम गया। मैंने 107 120 में मैंने 107 अटैम्प्ट करे हैं और बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए थे। मैथ के क्वेश्चन ये समझ लीजिए, मतलब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी उसमें, नथिंग कुछ मतलब बेसिक थे लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी। और जो भी जो करंट अफेयर आ रहा है ना 2021 का आ रहा है, 2022 का एक क्वेश्चन मुश्किल से मिला मुझको, 2021 के सारे जो भी करंट वाले जो क्वेश्चन थे वो 2021 के थे। और GK बहुत डीपली पूछ रहा है, वो बहुत डीपली। लेवल 4 से कल दिया था आपने? जी लेवल 4 का दिया, तो उसमें मैं मेरिट आउट हो गया हूँ। उसके अगर कंपेयर किया जाए लेवल 4 वाले से? नहीं नहीं, लेवल 4 से अगर कंपेयर करेंगे तो ये एग्ज़ाम आई थिंक मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट था। जी बिल्कुल, क्योंकि क्या कहते हैं इसमें क्या है कि हमें लग रहा है कि स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो उन्होंने डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं हार्ड करा उससे। और अभी मेरा कल भी एग्ज़ाम लगा हुआ लेवल 2 का, तो इसके बाद मैं कल का एग्ज़ाम और देखता हूँ, उसके बाद देखता हूँ लेवल की। मैं कानपुर से आया हूँ। आपका तो नज़दीक पड़ गया। या बिल्कुल, ऑफ कोर्स, मनोज तिवारी मेरा नाम है, कानपुर से आया हूँ, विकास दुबे जहाँ के रहने वाले हैं। थैंक यू। और भी काफ़ी कैंडिडेट हैं, अब बात करेंगे। हो गया भैया सबका? हो गया कि सेकंड में? कितने अटेम्प्ट किए? हमने तो 75 अटेम्प्ट किए। 75 कम हो पाए क्या? नहीं है, मुझे लगता है क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा थे और टाइम कम पड़ रहा था। पर क्वेश्चन 45 सेकंड्स के आसपास आएगा आपका एवरेज निकालने के वगैरह का क्या रोल है, कैसी करंट अफेयर्स? तो मुझे लगता है पिछले साल के लास्ट ईयर के ज़्यादा पूछ रहे हैं, इधर कम ही पूछ रहा है पुराने क्वेश्चन। और वैसे ही रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा लेते तो रेलवे की पुरानी आदत है। 2021। आपने कितने किए भैया? मैं 90। कैसा लगा लेवल एग्जाम का? लेवल मॉडरेट था और हाँ कैलकुलेटिव था पेपर। लेवल 4-6 का दिया था? नहीं, 4-6 नहीं दिया। आपका क्या सेंटर दूर गया था? मेरे पेपर एक बहुत अच्छा नहीं गया है, लेकिन तो भी अच्छा गया है। कितने अटेम्प्ट किए? हमने अटेम्प्ट किए 75 किया है। जितने भी क्वेश्चन किए कैसे लगे? पेपर तो मॉडरेट आ रहा है सर। GK की बात की है क्या? GK तो मतलब GK ज़्यादा हार्ड नहीं पूछ रहा है, और लेकिन जो करंट अफेयर पूछ रहा है वो दिसंबर 2021 का ही पूछ रहा है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आया हुआ था तो मतलब 2022 का नहीं 2021 से का पूछ रहा है। अदर 2-3 लेवल का भी था आपका? नहीं नहीं 2-3। कैसा हुआ भैया? पेपर अच्छा हुआ। कितने क्वेश्चन किए? 87। कैसा लगा एग्जाम का पेपर? मॉडरेट था और बस मैथ में थोड़ा कैलकुलेटिव थी। मैथ में किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? एडवांस से ज़्यादा क्वेश्चन थे। एडवांस में क्या? एडवांस में मतलब एडवांस से सब मिला के, त्रिकोण विधि छोड़ के बाकी सब। हाँ, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, सैंपल इंटरेस्ट हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट के 2-3 क्वेश्चन आए थे जैसे अच्छे आए थे, और प्रॉफिट एंड लॉस आया था, ठीक है, और क्या कहते हैं टेक्नोमेंट्री के 2-3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, एलजब्रा भी 1-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा रहा है, ठीक है ना। GS अच्छी थी, करंट अफेयर्स भी बहुत बढ़िया था, ठीक है। पूरे 1.5 साल का जो भी पढ़ के जाएगा 2021 लेकर 22 पढ़ेगा, पूरा अच्छे से मार के आएगा, कोई डाउट नहीं है। GS बेहतरीन था। कितने किया? आई 91। 4-6 का भी था? नहीं, मेरा 6 था, 4 नहीं। 6 का था। कंपेयर किया जाए तो कितना एवरेज में है? कहाँ से आए? मेठी से। कितनी दूर है सेंटर आपका यहाँ? जी आपके और डिस्ट्रिक्ट से, और ये आगरा कितनी? समथिंग अबाउट 500 किलोमीटर। कल भी है क्या आपका? जी हाँ। और भी हुआ 14 को भी है। आपका कैसा हुआ? जी बढ़िया था। कितने क्वेश्चन किए? 80। कैसा लगा लेवल? ठीक था, क्वेश्चन अच्छे उठाए हैं, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा मतलब टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मतलब 8-8 लाइन क्वेश्चन मतलब पढ़ते रह जाओगे, बाकी ठीक है। इंजीनियरिंग में क्या क्या इंजीनियरिंग क्वेश्चन बड़े थे? उसमें पजल के क्वेश्चन आए थे, वो टाइम टेकिंग थे, एक क्वेश्चन पे उसमें कभी 5 क्वेश्चन देते, उसमें 1 दिया था, पूरा हल करो फिर 1 नंबर मिलना है,
और टाइम ज़्यादा लगता था तो क्वेश्चन हाँ स्किप करना बेटर था उनको, टाइम ले जाएगा तो क्या करना है, मिलना एक ही नंबर है तो उसे छोड़ के आगे निकल जाना है। और लमसम 5 क्वेश्चन थे तो बहुत बड़े बड़े थे। आपका कैसा हुआ? ठीक है, मॉडरेट था पेपर, मॉडरेट था, 100 100। लेबल लेबल इजी टू मॉडरेट था, लेकिन सर क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स थे वो थोड़ा कैलकुलेटिव थे, टाइम टेकिंग। लेवल 4-6 का भी था, अगर उसका कंपेयर किया जाए आज के लेवल से तो कितना चेंजेस लगा आपको? अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 10-15%। आपका कैसा हुआ? ठीक हुआ, अच्छा हुआ। कितने क्वेश्चन? 85 किए। कैसा लगा लेवल? लेवल इजी टू मॉडरेट था, मॉडरेट लेवल का था। रीजनिंग की बात की है तो रीजनिंग में क्या देखने को मिला, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन? रीजनिंग में पजल थे, कोडिंग और अल्फाबेट जो होता है भी था, और यही सब थे रीजनिंग में। मैथ में क्या क्या? मैथ में जो है साधारण सिंपल इंटरेस्ट वगैरह यही थे। और ये आपका जीके का क्या रोल रहा? जीके जो करंट अफेयर था थोड़ा ज़्यादा। कितने क्वेश्चन आएगा करंट से? तो ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन आए थे। तो आज 12 जून को NTPC CVT 2 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम फिनिश हो चुका है। काफ़ी कैंडिडेट से हमने बात की, तो जिन कैंडिडेट का लेवल 4 और 6 का एग्ज़ाम था, यानी कि जिन्होंने लेवल 4 और 6 का एग्ज़ाम दिया था और वो अभी लेवल 5 का आज एग्ज़ाम दिया है, अगर उनसे कंपेयर के बारे में पूछा गया तो थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग कुछ कैंडिडेट ने लेवल आज का थोड़ा डिफ़िकल्ट बताया, खुद को नॉर्मल लगा। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो नंबर ऑफ अटैम्प्ट एवरेज 90 से 100 के अप्रोक्स से यहाँ पर कैंडिडेट कर रहे हैं, वही ज़्यादा कुछ हो नहीं पा रहा है, लेकिन जिनकी प्रैक्टिस ज़्यादा है वो थोड़ा ठीक ठाक कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए लेवल 4 और 6 की अपेक्षा तो नंबर ऑफ अटैम्प्ट इस बार थोड़े बड़े हैं, क्योंकि हमने जब रिव्यू किए थे तो 75-80 से ज़्यादा लेवल 4 और 6 में नहीं किए थे, लेकिन इस बार काफ़ी अटैम्प्ट कैंडिडेट ने बढ़ाए हैं अपने और प्रैक्टिस भी करके आए हैं। तो सेकंड शिफ्ट की एंट्री स्टार्ट हो गई है, तो अभी कैंडिडेट से हम सेकंड शिफ्ट का जैसे एग्जाम फिनिश होगा उनसे भी बात करेंगे। तब तक लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 24। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।